जी अच्छा नाम बताइए अपना। हमारा नाम है मोहम्मद रुबियान गाजी। कैसी लगी योगी जी की सरकार? योगी जी की सरकार बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी। हाँ, हाँ, सबसे बढ़िया काम, सबसे अच्छा काम उन्होंने किया है। अरे सबसे सारे काम तो अच्छे हैं इनके भाई, और क्या। 12,000 रुपए की दुकानदारी होती थी 2017 के पहले, अब हमारी दुकानदारी 6,000 की हो रही है। सबसे अच्छी दुकानदारी तो ये है। अच्छी हुई तब तो आप आधे पे आ गए अब तो। तभी तो अच्छे पे हैं भाई। हम चार लेबर रखे थे, आज हमारे पास एक लेबर है, तीन लेबर को हमने हटा दिया। सरकार लानी है योगी जी की? नहीं फिर नहीं, अखिलेश जी की लाएंगे इस बार। हाँ हाँ, और क्या जी। भैया नाम बताओ। जी भैया खा रहे। बोलो बोलो। जुनैद। जुनैद। जुनैद कहाँ से हो आप? यहीं से। यहीं से ही प्रॉपर यहीं से? विधायक जी ने आपके कुछ काम किया? तो उस टंडन जी नहीं नहीं मैं जानता नहीं उनको। हाँ। आप अपने विधायक को नहीं जानते? नहीं। क्या माहौल लग रहा है? लहर किसकी लग रही है? योगी की। योगी ही बनेंगे जी। अच्छा नाम क्या हुआ आपका? अवधेश सिंह। अवधेश सिंह, आप इसी विधानसभा से, लखनऊ पूर्वी से? जी जी। आपके विधायक रहे आशुतोष टंडन जी, मंत्री भी हैं। क्या कुछ बदला इन्होंने अपने विधानसभा में? बहुत अच्छा बदला है, और ये सरकार ही बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अब फिर दोबारा ही आएंगे भी। दोबारा आएंगे भी। पूर्वी लखनऊ। पूर्वी लखनऊ। ये हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे कि आखिर युवा क्या चाहता है, क्या इनकी उम्मीदें होती हैं सरकार से। जी भैया नाम बताओ अपना। दिव्यांश सिंह। दिव्यांश कहाँ से हो आप? इसी विधानसभा से, लखनऊ पूर्वी से? नहीं नहीं, यहाँ से नहीं, हम 356 मऊ से हैं। मऊ से हैं आप। क्या लगा इन 5 सालों में योगी जी ने क्या कुछ बदला, क्या कुछ लग रहा है कि उसके पहले जो सरकार थी कुछ बदलाव हुआ है? बिल्कुल बदलाव हुआ है, बिल्कुल। कानून व्यवस्था से काफ़ी हम खुश हैं। अच्छा, अपने योगी जी से। और हम हर बार यही चाहेंगे कि योगी जी की सरकार है। और क्या उम्मीदें होती हैं सरकार से? चलिए कानून व्यवस्था अच्छी है, और क्या उम्मीदें होती हैं? आप युवा हैं, क्या सोचते हैं कि क्या और हम युवाओं के लिए किया जाए, सरकार क्या करे? पहला तो शिक्षा पे उन्हें थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसा कि हमने देखा है कि स्कूल कॉलेजेस में कुछ मतलब वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए, लेकिन योगी जी से ये उम्मीद हम चाहते हैं थोड़ा सा उस पर और काम करें। बाकी सब योगी जी, मतलब शिक्षा व्यवस्था में भी कमियां रह गई हैं। हाँ बस जी। भैया नाम बताओ अपना। नाम भैया मेरा अनुराग सिंह। अनुराग सिंह इसी विधानसभा से? हाँ। नहीं नहीं, 275 अयोध्या। अयोध्या से हैं जी। कैसा लगा योगी जी का काम? ये काम बहुत अच्छा है, अयोध्या में काफ़ी ज़्यादा विकास हो रहा है। इस समय अयोध्या को आप जाके देखिएगा तो आज के 4 साल पहले जो अयोध्या थी वो एकदम बिल्कुल बदल चुकी है। बहुत अच्छा काम हो रहा है, काफ़ी अच्छा। तो ला रहे हैं फिर से योगी जी को? जी जी बिल्कुल, योगी सरकार ही आएगी जी। जी मैडम नाम बताइए अपना सबसे पहले तो। हम खा रहे हैं वे खा रहे हैं हमको। अरे खा चुकी हो क्या यार? करती क्या वैसे? करती क्या आप? करती क्या? नहीं क्या करती? भैया छोड़ो ना, क्या रखा है इन सब में? खाने दो, जब क्लास छूट जाए। यही तो रखा है, अब तो आ गया। ये लोकतंत्र में ये सबका अधिकार होता है, वोट करने का टाइम आ गया है अब। अरे भैया जाने दो, एकदम कोई इंटरेस्ट नहीं है, बात समझो। वोट नहीं करना आपको? हम नहीं करते, आईडी ही नहीं है मेरी, वोटर आईडी। वोटर आईडी नहीं है? नहीं है। एज कितनी है आपकी? एज 23। 23 अभी तक आपने वोटर आईडी नहीं लिया? अब बनवाएंगे जाके। भारत देश की जागरूकता। अरे भाई बताइए, सोचिए बताइए। क्या दोस्त हो गए? नाम क्या हुआ आपका? विनोद कुमार श्रीवास्तव। कहाँ से आप? यहीं से हैं? नहीं, हम मुड़िया। अच्छा, वोट देने का वक्त आ गया है अब, क्या मुद्दा होगा वोटिंग का? और भैया हम तो कर्मचारी मुद्दा होगा। कर्मचारियों का मुद्दा होगा। सरकार योगी जी की बढ़िया लगी आपको? नहीं। हाँ तो फिर क्या बदलने का इरादा है? बिल्कुल बदलना है। बदल कर किसको ला रहे हैं आपके? बदल के लाना हमको अखिलेश को। अखिलेश को क्या लगता है अखिलेश जी कर्मचारियों के लिए जो मांगे उनकी होती है वो पूरा करेंगे? हाँ वो पूरा करते हैं। पूरा करते हैं वो। युवा है, कैसी लगी? सही है सर, सही है, सही है, बहुत सही तो है। तो चुनाव का टाइम आ गया है, वोटिंग का टाइम आ गया, क्या मुद्दा होगा आपकी बार वोटिंग का? विकास, जैसा हमेशा ही होता है विकास के लिए। नाम क्या हुआ आपका? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जी, हाँ जी, इसी विधानसभा से हैं आप? हाँ, हाँ? जी। क्या कुछ बदला इन 5 सालों में यहाँ पे? बहुत सारी चीज़ें बदली, जैसे लड़की को छेड़ने का ही एक सबसे बड़ा यहाँ पर इशू था, तो वो भी बदल गया है। और बहुत समय से इस पर जो है चर्चा चल भी रही थी। और बाकी सड़कों की हालत तो आप देख ही रहे हैं,
फिलहाल तो गड्ढा युक्त सड़कें हो गई, गड्ढा मुक्त नहीं है। तो इस पर मैं थोड़ा बदलाव चाहूंगा। गड्ढा मुक्त नहीं हुआ, गड्ढा युक्त हो गया। ये है इसमें बात है। लेकिन ये कमी रह गई। जो काम हो रहा है वो भी होना जरूरी है, क्योंकि सीवर लाइन पड़ना बहुत जरूरी है। और सीवर लाइन बहुत समय पहले किसी समय में पड़ी होंगी तो पतली पतली सीवर लाइन थी, तो अब तो काफी बड़ी पड़ गई है। तो इस वजह से ये काम होना बहुत जरूरी था, लेकिन जो है इसको जल्दी से जल्दी जो है खत्म करके सड़कें बनाई जाएं। मेरे पास सुबह बजरंगबली का, शाम को भोले जी। बाबा जी कैसी लगी बाबा जी की सरकार? बाबा जी की सरकार अच्छी लगी, इनसे गुंडागर्दी खत्म हुआ, बहुत प्रोग्रेस है, रोड मुक्त है, बहुत बहुत सुरक्षा है बाबा की सरकार में। बाबा की सरकार में बढ़िया सरकार है, बढ़िया। नाम क्या आपका? मेरा शिवशंकर मोदी। शिवशंकर मोदी, अच्छा अच्छा। टाइटल आप मोदी जी से ले लिए हैं कि और कहीं से पहले से था? पहले से था। हाँ। मेरा मोदी है ही है, हम लोग मोदी है। हाँ। अच्छा अच्छा। तो क्या सरकार फिर से बना रहे योगी जी की या? फिर से बना रहे हैं। अखिलेश के बारे में क्या सोचते हैं? अखिलेश बारे में क्या सोचेंगे, जो हमारी सरकार है हम उनके बारे में सोचेंगे, बाकी अदरवाइज किसी के बारे में नहीं, किसी के नहीं सोचेंगे। जी भैया नाम बताइए अपना। मैं लालजी विश्वकर्मा। लालजी विश्वकर्मा। हाँ। योगी जी का जो काम काज आपको कैसा लगा इन 5 सालों में? क्या कुछ लगा कि क्या कुछ बदल दिया योगी जी ने? 5 साल तो 2 साल तो योगी जी ने कोरोना में निकाल दिया, अच्छे से कोरोना डिपेंड कर अच्छे से देश को बचाए हैं, सब कुछ राशन वासन सब पहुंचाए हैं, और इससे बढ़िया सरकार कौन सी हो सकती है। बाकी कार्यकाल तो देख ही रहे हो आप, करप्शन कम हुआ है, भ्रष्टाचार कम हुआ, महंगाई जो है थोड़ी बहुत बड़ी है, वो तो देश जब आगे बढ़ता है सब चीज़ बढ़ती है, तो बढ़िया सरकार यही आना ही है। यही आना है और क्या। इधर इधर चेहरा कीजिए जी। नाम बताओ अपना। अरे लेट हो रहा है, लेट बस 2 मिनट हमें चाहिए, 2 मिनट चाहिए, 1 या 2 मिनट। मास्क हमको दे दो यार। चाचा नाम बताइए अपना। मोहम्मद जहरुद्दीन खान। खान जी कैसी लगी योगी जी की सरकार आपको? कुल मिलाकर के लगभग ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। तो फिर इरादा क्या है, योगी जी को लाना है या हटा देना है? नहीं लाना है योगी जी को। हाँ योगी जी को लाना है। कौन सा इनका काम सबसे बेहतर लगा आपको? काम इनका अच्छा लगा कि गरीबों को जो है सो राशन पानी पताई सब कुछ दिए, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि फिर योगी जी आ जाएं, यही हमारी प्रार्थना है भगवान से कि आ जाए फिर। ठीक। एक बहुत बड़ा मामला जो हमारे देश को गरीबी और महंगाई को ले जा रहा, महंगाई के पीछे, वो है हमारी देश की बढ़ती जनसंख्या। क्या अगर इस के लिए कानून लाया जाए तो ठीक होगा? बहुत अच्छा होगा, ये कानून लाना चाहिए। हाँ, जनसंख्या नियंत्रण के लिए सख्त से सख्त कानून लानी चाहिए, हमारा ये विचार है।